सड़क किनारे बोरी में मिला अज्ञात व्यक्ति का सर। 14 घंटे के अंदर पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। मामला भौती थाना अंतर्गत खोड़ चौकी क्षेत्र का है, जहां पर खोड़ सरसौद रोड के किनारे शाम करीब 6 बजे एक सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरी में किसी अज्ञात व्यक्ति का कटा हुआ सर मिला। इस घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने गंभीरता दिखाई और जानकारी मिलने के तुरंत बाद शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल FSL टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए। एक ओर जहां पुलिस को सर के आधार पर व्यक्ति की शिनाख्त करना ही चुनौती था, वहीं 14 घंटे के अंदर ही मृतक 30 वर्षीय हरनाम पुत्र राय सिंह आदिवासी की शिनाख्त करते हुए हत्या के मामले का खुलासा करने के साथ आरोपियों तक पहुंच चुकी है। पुलिस ने सबसे पहले आरोपी के द्वारा गर्दन के ऊपरी भाग से धारदार हथियार से काटकर हत्या करने के उपरांत साक्ष्य छुपाने के लिए बोरी के अंदर रखकर फेंक दिया है। सूचना पर थाना भोती पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में पाया गया कि हत्यारों ने मृतक के शव के अनेक टुकड़े किए थे, जिनको वो धीरे धीरे कर यहां से वहां ठिकाने लगा रहा था। पुलिस ने पूरा शव बरामद करते हुए हत्यारों तक पहुंचने में सफलता हासिल की है। ये अभी तक आज सुबह से जो हम लोग प्रयासरत थे, मेरे साथ में सब इंस्पेक्टर RS चौहान और राजीव दुबे जो चौकी प्रभारी हैं, हम सभी लोग यहाँ सुबह से प्रयासरत थे। तो फोटो के आधार पर इसका हमें जानकारी मिली थी कि ये हरनाम आदिवासी है, सिमर्रा का रहने वाला। हमने उसके बारे में जब जानकारी ली तो वो 2 दिन से यहाँ घर से गायब था, और फिर उसके परिजनों को जब फोटो दिखाया तो उन्होंने शिनाख्त कर ली कि ये हरनाम आदिवासी है। इसके संदेह के आधार पर हमने अभी एक यहाँ जिसने उसकी खेती बटाई से दी हुई थी, गगन अधिकारी जो RMP डॉक्टर है बंगाली, उसको पूछताछ चल रही है उससे। और संदेह है कि गगन अधिकारी अब एक अन्य पाल समुदाय का है, उसने मिलकर इसकी हत्या की है। जो मुंडी का शेष भाग था धड़, वो हमको मिल गया है। अभी उसमें कुछ हिस्सा अभी बचा हुआ है, शव को इन्होंने कई हिस्सों में काटा है, तो घुटने से नीचे का हिस्सा भी और तलाश कर रहे हैं।